नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। अब महागठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू का साथ छोड़ा और बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है जो महागठबंधन के लिए ठीक नहीं है। वो खबर है वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को लेकर। मुकेश सहनी को गृह मंत्रालय ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि मुकेश सहनी को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। अब वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ सीआरपीएफ के जवान घूमेंगे। आईबी की रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि मुकेश सहनी को बिहार में सुरक्षा दी जाएगी। उनके साथ सीआरपीएफ के जवान घूमेंगे। वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा देने के पीछे क्या कुछ राजनीति होती है यह आप लोगों को भी मालूम होगा। केंद्र सरकार ऐसे ही किसी नेता पर मेहरबान नहीं होती। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों चुपचाप हैं, अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन खुलकर बीजेपी को निशाने पर नहीं ले रहे थे। इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी कि मुकेश सहनी का जो मन है वो डोल रहा है। अगर बीजेपी का ऑफर मुकेश सहनी को पसंद आता है तो फिर मुकेश सहनी अपना पाला बदल सकते हैं, महागठबंधन का साथ छोड़ के बिहार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो इसी बीच यह खबर निकल कर आई है कि गृह मंत्रालय ने मुकेश सहनी को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है। तो ऐसे में मुकेश सहनी क्या करते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या मुकेश सहनी का बीजेपी के साथ डील तय हो गया है? क्या मुकेश सहनी अब बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाने के बाद जो है 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एमपीएम बनाएंगे? यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुकेश सहनी इन दिनों शांति मुद्रा अपनाए हुए हैं। कुछ तरह से शांत दिख रहे हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि सीधे बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर हमला करने से बच रहे थे। तो अब देखना होगा कि इस खबर आने के बाद मुकेश सहनी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। उधर उपेंद्र कुशवाहा तो अब खुलकर जो है बीजेपी के लिए बैटिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा का आज ही बयान आया है कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से आप साफ समझ सकते हैं कि कुशवाहा का जो पाला है वो किधर जाने वाला है। वहीं अब मुकेश सहनी को लेकर ये जो खबर आ रही है कहीं ना कहीं महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।